आज मैं जा रही हूँ एज ए जज। भगवान ने सफर का किबा न होए किबा दिसे। रात के 2 बजने वाले थोड़ी देर बाद अपने भाई का वो फटा हुआ बैग दिखाया था, वो लेके फिर से निकला था भाई। तो मटन ही गाइस, मटन। दीदी वाह क्या लग रहे हैं सारे के सारे। क्या चप्पल है, ये भी टूट जाएगा। इसका हर बार का यही है। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल और मेरे चैनल के एक नए व्लॉग पे। तो गाइस आज है अष्टमी और अभी बज रहे रात के 7 और मैं रेडी हो गई हूँ एक प्रोग्राम में जाने के लिए। बट आज मैं कंपटीशन करने नहीं जा रही हूँ, आज मैं जा रही हूँ एज ए जज। आई एम सुपर एक्साइटेड, थोड़ा सा नर्वस भी हूँ। मैंने पहनी है ये गोल्डन कलर की सादौर मेखला जो मैंने सरस्वती पूजा में पहनी थी और मम्मी ने होली के मेले में पहनी थी। सो यही मैंने पहन लिया क्योंकि ये मेरे को ज्यादा अच्छे लग रहे थे। और एक मेरे पास नया है जो पहन के मैंने फिर से उतार दिया, ग्रीन कलर का, मेरे को यही अच्छे लगे हैं। एंड ये मेरे सिल्वर ज्वेलरी, पता नहीं मैंने कितनी बार पहनी है, मतलब बहुत बार मैं पहन चुकी हूँ। सो ये मैंने पहन ली है एंड हाथों में ये सिल्वर बैंगल और ये ब्लैक बिंदी जो एकदम मस्त लग रहे हैं। सो आई एम ऑल रेडी। अभी पापा भी रेडी हो गए, पापा मेरे साथ जाने वाले और मैं जाने वाली हूँ, मतलब हम जाने वाले एक सर के साथ। सर भी जज है और सर ने मुझे बोला था तो सर आएंगे, सर अभी रास्ते में है और फिर सर जब आएगा हम ही निकल जाएंगे यहाँ से और फिर गाड़ी में बैठ के हम जाएंगे प्रोग्राम पर। मम्मी ने मुझे ये गर्मा गर्म दूध का ग्लास थमा दिए हाथ में। पहले भी मम्मी ऐसा करती थी जब मैं प्रोग्राम करने जाती थी, मतलब कॉम्पिटिशन्स वगैरह, और आज भी दे रहे। मैंने बोला मेरे को भूख लगी है, मेरे को कुछ और खानी थी बट मेरे को ये मिला खाने को, पी लेती हूँ अब वरना डांट मिलेगी गाइस। आगे है सारे लोग, पीछे है बहुत जाने माने लोग, जाने माने हस्तियाँ। एंड ये मेरे को मिली है नई दीदी और ये है जीजा जी ना। मैं सही हूँ। सो गाइस अभी चलते हैं। ये है हमारे गांव का पूजा, इस बार बहुत अच्छे से सजाया है, पंडित जी ने बहुत ही टेढ़ा मेला लगाया है। तो अभी हम पहुंचे हैं बासुगांव एंड बाहर का माहौल बहुत मेला मेला है बट हम नहीं जा सकते क्योंकि हम कहीं और जा रहे हैं। हैप्पी दुर्गा पूजा, हैप्पी दुर्गा पूजा। सर गाइस बोले गाइस गाइस सर का ना एक्सीडेंट हो गया बट फिर भी आज निकले प्रोग्राम के लिए क्योंकि वी लव डांस, है ना सर? या डांस के लिए कुछ भी कर सकता है यार। यस अभी डायरेक्ट प्रोग्राम पे। हम बहुत ही गुप्त रास्ते से जा रहे हैं गाइस, देख सकते हो आप लोग। कभी भी ऐसे गलती मत करना ऐसे रास्तों से आने की क्योंकि ऐसे रास्ते से जब आओगे आप जल्दी पहुंच जाओगे। हम आके इधर बैठ चुके हैं, यहाँ पे सर कुछ देख रहे हैं, उधर है स्टेज। मेरे को बहुत बड़ा टीका मिला है। मुख्य विचारक धनवीर सूत्रधर डांस হয় কোনবাই মিউজিক ভাল করে কোনবাই মিমিক্রি ভাল করে কোনবাই বহুত বহুত ট্যালেন্ট থাকে এজন মানুহৰ গাত সবে ভগবানে সবৰে গাত কিবা নহয় কিবা দিছে বাস সেইখিনি ধ্যান দিব লাগে আৰু বিশেষ নক আৰু নৃত্য প্ৰতিযোগিতাখনি আৰম্ভ কৰো। ধন্যবাদ। रात के 2 बजने वाले थोड़ी देर बाद और मुझे लगी है बहुत ज़्यादा नींद और बहुत ज़्यादा भूख। ये मैं डांस कर रही हूँ, सबके रिक्वेस्ट पे डांस करना पड़ा गाइस बट मैं रेडी नहीं थी फिर भी कर लिया। सो गाइज ये है यहाँ का भोग प्रसाद जहाँ पे मटन भी है एंड इट इज सो यम्मी। हाय गाइज, तो मैं अभी रेडी हो गई हूँ नानी के घर जाने के लिए एंड मेरे साथ मेरे भाई और मेरे माँ जा रहे हैं, अंदर है वो दोनों मतलब बैग को लेके झगड़ रहे हैं। मैंने जो अपने भाई का वो फटा हुआ बैग दिखाया था वो लेके फिर से निकला था भाई, तो उसी बात पे थोड़ा सा यू नो माहौल शुरू हो गया। तो माहौल ये है फिलहाल कि मेरे हाथों में हो रहा है बहुत ज़्यादा दर्द, इस हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहे हैं, वो अलग ही टॉपिक की बात है, कभी बाद में बताऊंगी या फिर नहीं बताऊंगी, छोड़ो। मेरे चेहरे को देखो, मैंने एक रात क्या नींद अच्छे से नहीं ली, मेकअप क्या एक रात को कर लिया, ये हो गया मेरे चेहरे की हालत, मतलब बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। सो गाइज अभी क्या ही बोलूँ और मैं अपने बारे में। ये है मेरा आज का ओ चीची।
चिंचिरिंग मैं कैसी लग रही हूँ प्लीज कमेंट में बताना। मैं थोड़ा मोटा मोटा लग रही हूँ क्योंकि ये बहुत ज्यादा लूज है, वैसे मैं थोड़ा मोटा भी हो गया हूँ, बट मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं वर्कआउट करके मैनेज कर लूंगी। यो यो वाली वाई वाली है, पहली बार किसी ने कैमरा ऐसे करके पकड़ा और मैं ऐसे करके ब्लॉग कर रही हूँ। सुबह से अभी ज्यादा देरी करते चलते हैं नानी के घर। जाने से पहले मैं खा रही हूँ नमकीन और बहुत सारा दही। पूरे दिन में अब मेरे पेट में कुछ निवाला गया है क्योंकि सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया, मतलब रात से प्रोग्राम से आने के बाद भी सुबह भी मैंने कुछ नहीं खाया। अब मैं खा रही हूँ दही और थोड़ा सा नमकीन। हमने ले ली है यहाँ पे भुजिया, निमकी, जलेबी, केक। जब भी मम्मी मायके जाती केक बनाती है, मतलब लेके जाते हैं, तो केक वेक सब ले लिया है। बस अब हमें कहीं नहीं उतरना, सीधा नानी के घर ही जाना है। गाइस मेरी मम्मी ये होने वाला है इसका हमारे साथ। गाइस सोने का सीन देखो कितना मोटा है, बहुत अमीर लोग हैं। बट आप इस घर में कभी डाका नहीं डाल सकते क्योंकि सीसीटीवी लगा हुआ है। वन ऑफ द बिगेस्ट चपरी इन आवर फैमिली, देखने से ही पता चलता है कितना छपरी गिरी कर सकते हो तुम। छपरी तो बोले निब्बा सिख मैं क्या करूं सिख। हैप्पी बर्थडे फुल नाइन आई। टेस्ट मैटर करता है, लुक नहीं। फोटो ना था उसके अंदर का बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी तो मैंने सोचा एक बार झांक लेती हूँ क्या है। है कुछ भी नहीं। गाइस बड़ा करके है कुछ चिकन ना की मटन है गाइस मटन मटन खाएंगे गाइस मटन मटन। और मैं तो ज्यादा ग्लो कर रही हूँ बिना सोए, आज मैं ग्लो कर रही हूँ। ये किससे हो गया गाइस? आते ही मैं शुरू हो गई। अब मुखंग चिकन नो में नमक गाइस। नानी जी लेके आए हैं प्रसाद। मैं मौसी और बहन जा रहे पूजा देखने, मतलब मेला देखने, मंडप देखने, और ये दोनों है घर पे। दे आर नॉट इंटरेस्टेड बट वी आर वेरी वेरी इंटरेस्टेड। चलो हमारी प्यारी फंस गई गाइस। हम दोनों का चप्पल टूटने वाला है गाइस। इस बार मैं अकेली बिल्कुल नहीं हूँ, दीदी जब भी टूटेगा मैं अभी टूटेगा। मैं इगर इंपिनिस ना मानू का है। अभी हम आए हैं थोड़ा सा पार्क पे एंड इधर तो बाहर से भी ज्यादा माहौल गर्मा गर्म है, मतलब बच्चों को देखो। सुमारी बड़ी दी मोक नेदा ओए बोला झील बनाए ताली खुशी में नो। दादी मेरे को लगा छोटा सा है बट नहीं, ये सुरंग जैसा है, बहुत दूर तक जा रहा है।
और इतना दूर तक जाते जाते मेरा ये जो आधा अधूरा बच्चा चप्पल है ये भी टूट जाएगा। इसका हर बार का यही है। देखो गाइस मेरे चप्पल बिना टूटे दुर्गा पूजा मेरा कहां वहां पे बैठते हैं, वहां पे बैठने का जगह मुझे कुछ भी ब्लॉग में तुम शांति से नहीं बोलने देते। क्यों बैठी बारिश आ गया मेरा 100 रुपया मेरे हाथ में। तो नाइस बारिश में हम जा रहे हैं घर। तो आया था बुखार, अब तो रात में हम सबकी पूरा बैंड बजने वाली है एंड मेरे कैमरे में भी से तो मेरा नाक तो एकदम बंद है, अब और बंद हो जाएगा तो सांस भी नहीं ले पाएगा, तो मुंह से सांस ले। मैंने ले ली है चिकन पकौड़ा। कुछ नहीं खाने वाला था ये, अभी और प्लेट पे प्लेट मंगवाए जा रहे हैं। फाइनली गाइस ये टूट गया ये, और अभी मैं सड़कों पे खाली ऐसे ही घूम रही हूँ, बहुत दर्द हो रहा है गाइस, टू मच स्ट्रगल, देखो लाल भी हो गया। मेरे भाई ने प्रमाण दे दिया गाइस, इसका भाई कहाँ मिलता है। रात के 12 बजे हम ये अजीबोगरीब कॉम्बिनेशन फिर से ट्राई करने वाले हैं। वैसे अजीबोगरीब नहीं, ये टेस्टी ही लगते हैं, है ना। हाँ, मैं रोज खाती हूँ। गुड, मेरी हालत देख रहे हो, मतलब क्या बोलूँ, मैंने नाइटी पहन ली है मेरी मौसी का, क्योंकि कपड़ा है मेरे पास, इसके पास अभी मेरे को चेंज नहीं करना, इसे आलसी लगता है, इसमें मैं बहुत कंफर्टेबल फील कर रही हूँ। हम दोनों को बिल्कुल भूख नहीं है, बट फिर भी लोभ की वजह से हम आ गए हैं खाने, क्योंकि मटन है इसलिए लोभ गाइस लोभ। अभी व्लॉग को खत्म करते हैं क्योंकि कल है दशमी, और मेरी मम्मी अब बाद में दिखाना, बाद में दिखेगा सबको FB पे इंस्टा पे। सो कल है दशमी, कल का मैं व्लॉग नया करके बनाऊंगी, आज का व्लॉग यहीं पर खत्म कर दे क्योंकि मैं कल से वीडियो कर रही हूँ। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।